अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गहमा गहमी के बीच एक बार फिर बड़े पैमाने पर गोलीबारी हुई है। अमेरिकी शहर मिलवॉकी में एक बंदूकधारी ने बियर की फैक्ट्री में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक गोलीबारी करने वाले शख्स को 1 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था और वो नौकरी से निकाले जाने से बेहद नाराज था। इस हत्याकांड में बंदूकधारी की भी मौत हो गई है। गोलीकांड के दौरान बियर फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम कर रहे थे। ये घटना विस्कॉन्सिन प्रांत के मिलवॉकी शहर में हुई। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी बियर कंपनियों में से एक मॉल्सन कूर्स का कैंपस है और इस कैंपस में ये गोलीबारी हुई है। मिलवॉकी के मेयर ने दावा किया है कि शहर में ये अभी तक की सबसे बड़ी घटना हो सकती है। मिलवॉकी के मेयर के मुताबिक मरने वालों के आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। शहर के मेयर टॉम बैरेट ने बताया कि बंदूकधारी ने जिस तरह से कैंपस में मौजूद लोगों को अपना निशाना बनाया वो काफी भयावह था। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना पर दुख जताया है। गौरतलब है कि अमेरिका में हथियारों के लाइसेंस बेहद आसानी से मिल जाते हैं। ये भी बड़ी वजह है कि अमेरिका में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अमेरिका में हथियार रखने के नियमों में बदलाव के बाद भी पिछले काफी समय से यहाँ लगातार गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं।